नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। आज की इंग्लिश क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांश मतलब कुछ, देखिए यहाँ पे हमने 10 फ्रेज लिए हुए हैं, तो इन सब के लिए केवल एक सिंगल वर्ड आएगा, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये क्लास थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, कम से कम 2 नंबर तो आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से। हेड ऑफ मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री मतलब क्या होता है, मठ, और हेड मतलब हो गया मुखिया, मतलब मठ का मुखिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हमारे जो CM है योगी आदित्यनाथ, उप क्या थे, मठाधीश थे गोरखनाथ के, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, उनके लिए एक वर्ड आएगा अबॉट, ABOT, तो मठाधीश के लिए क्या होता है, अबॉट, हेड ऑफ मोनेस्ट्री। दूसरा देखिए, शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, ये कई बार एग्जाम में भी आता है, कि मतलब आता है कि मतलब जो फुल फॉर्म दिया होता है या फिर छोटा, जैसे IBM होता है हमारा, ये मैंने पढ़ाया हुआ कंप्यूटर क्लास में, ये इसका एब्रिविएशन है किसका, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, मतलब कोई बड़ा सा वर्ड है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, वो क्या कहलाता है हमारा, एब्रिविएशन। ये तो एग्जाम्पल हो गया हमारा, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एब्रिविएशन। किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखना एब्रिविएशन कहलाता है। अब देखिए तीसरा, हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत ही ज्यादा कठिन, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत हार्ड, तो इसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, इसके लिए एक वर्ड है एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब बहुत ज्यादा समझने में बहुत ज्यादा कठिन। अब देखिए फोर्थ, वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, अब इसमें आता है फॉरेनर, लेकिन एक और वर्ड आता है वो वही सबसे ज्यादा सटीक बैठता है, वो है एलियन। अब एलियन का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी आंखें हो, चार हाथ पैर हो, लंबा सा हो, या UFO से आए, जो हमारी रेस का नहीं है, जो हमारे कंट्री का नहीं है, या फिर जो हमारे ग्रुप का नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, एलियन कहते हैं। जरूरी नहीं वो दूसरे ग्रह से आया, वो होगा मतलब पड़ोसी भी हो सकता है, जो उससे आपका कोई मतलब नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, एलियन। जैसे कोई ग्रुप है, क्रिकेट का ग्रुप है, क्या 11 खिलाड़ी होते हैं, तो उसके अलावा जो 13वां बंदा होगा, मतलब जो 12वां होगा, वो क्या होगा, वो उस ग्रुप के लिए एलियन होगा। द पर्सन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस और रीजन, मतलब किसी दूसरी जगह का आदमी जो किसी एक जगह के बिलोंग ना करे, किसी एक ग्रुप को ना बिलोंग करे, ना किसी एक कंट्री को या फिर स्टेट को, तो उसको हम क्या कहेंगे, एलियन। अब देखिए फिफ्थ, वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की हमेशा भलाई के लिए जीवित रहता है और काम करता है, मतलब अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है दूसरों की भलाई के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे अल्ट्रुइस्ट, उसके लिए वन वर्ड आता है अल्ट्रुइस्ट, द पर्सन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स, दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले को अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। छठा देखिए, लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टाइज, मतलब नौसिखिया, जिसके पास कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं है, मतलब है तो कम है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, फिर उसको हम क्या कहते हैं, नौसिखिया, नौसिखी को क्या कहेंगे, एमेच्योर। एमेच्योर ठीक है, नौसिखिया के लिए एक वर्ड आ गया एमेच्योर, नौसिखिया हिंदी का वर्ड है, बाकी इसके लिए ये जो हमारा फ्रेज है, लैकिंग प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपर्टाइज, जिसके पास प्रोफेशनल स्किल कम हो या एक्सपर्टाइज ना हो या एक्सपर्ट ना हो, उसको हम एमेच्योर कहते हैं। सेवेंथ, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, अब किसी चीज़ की एक से ज़्यादा मीनिंग है तो क्या होगा,
हमेशा भ्रम बना रहेगा कि कौन सी मीनिंग हम निकालें, मतलब वो चीज़ क्या होती है, अस्पष्ट होती है। तो अस्पष्ट के लिए क्या आएगा, अस्पष्ट के लिए आया हमारा एम्बिगुअस। कोई चीज भ्रामक है या किसी में भ्रम की स्थिति होती है। भ्रम की स्थिति कब होती है, जब हम समझ नहीं पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब उसके करने के दो तरीके होते हैं, दो या दो से ज़्यादा होते हैं, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, ठीक है, उसके लिए आ गया एम्बिगुअस। अब देखिए एट्थ, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। मान लीजिए किसी कंट्री में गवर्नमेंट नहीं है या स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही है। जब गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही तो मतलब गवर्नमेंट नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल अराजकता हो जाएगी। और अराजकता को क्या कहते हैं, एनार्की। और कोई आदमी जो एनार्की फैलाता है, मतलब गवर्नमेंट के जो बनाए रूल्स होते हैं उनको, हर एक रूल्स को ब्रेक करता है, गवर्नमेंट की जो नियम बनाए जाते हैं उनका पालन नहीं करता है और तोड़ने पे जबरदस्ती रूल्स तोड़ता है, उसको क्या कहते हैं, एनार्किस्ट। मतलब अराजक, ये अराजक होगा, ये हो गया अराजकता। अब आइए नाइन, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। अम्यूजिंग मतलब होता है विनोदी। जैसे हम लोग कभी कभी बात नहीं करते हैं, तीन चार दोस्त मिलके बात कर रहे होते हैं, फिर अचानक से किसी को अपनी पुरानी बात याद आ जाती है कि देखो उस टाइम मैं यहाँ जा रहा था तो ऐसा ऐसा हुआ, फिर सब लोग क्या होते हैं, हंसने लगते हैं मजाक के अंदाज में, ठीक है। तो अम्यूजिंग स्टोरी वही होती है जो किसी रियल पर्सन या इवेंट से रिलेटेड हो। तो रियल पर्सन रिलेटेड या फिर इवेंट से रिलेटेड कौन सी स्टोरी होगी, जो घट चुकी होगी, ठीक है। उसको जब याद करके जब हम हंसते हैं या विनोदी स्वभाव हो जाता है, मजाक करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं हम एनेक्डोट। एनेक्डोट, ठीक है, ऐसी स्टोरी जो छोटी हो और मजाकिया हो। जैसे कभी कभी कोई इवेंट याद आ जाता है तो उसके लिए हम एनेक्डोट कहते हैं उसको। अब आइए टेंथ, अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज अननोन। कोई भी बुक या फिर कोई भी कलाकृति हो, उसका जिसका ना ऑथर हमको नहीं पता है, मतलब कोई चीज़, कोई जैसे लिखते नहीं है, कोई शायरी लिख दिया उसके नीचे लिखा होता है अज्ञात, अज्ञात या गुमनाम, मतलब उसका जो है राइटर या ऑथर हमको पता नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एनोनिमस। इसका मतलब होता है गुमनाम या अज्ञात, मतलब जिसका नाम हमको ना पता हो। तो ये हमारी हो गई आज की 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बने रहिए ताकि हम और जो वीडियो बनाएं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आपको मिल सके, ठीक है। तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।